है, इसीलिए हम लोग टाउन में भी दिखा रहे हैं। जब हम लोग के इलाका में रहना है तो हम लोग को त्योहार को भी मनाना होगा। तो प्रोग्राम का मेन चेहरा कौन है? मेन चेहरा कोई नहीं, सामूहिकता से सारा चीज हो रहा है। 10-15-20 लोगों का एक टीम है जो पूरी तरह से सक्रिय है और जगह जगह पर इस कार्यक्रम को लेकर के मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। सोहराय का अर्थ थोड़ा बता दीजिए। सोहराय का अर्थ है मतलब सेवरण करना, जो हम लोग को मतलब बैल लोग जितना खाट के हम लोग को कृषि के लिए जो मतलब सहयोग करता है, इसीलिए उन लोग का हम लोग सोहर मतलब सेहर करते हैं, मतलब शुक्रिया जो भी बोलिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अगर बाहरी पर्व को उलो फलने फुलाने और संरक्षण देने का काम करते थे और हमारे पर्व त्योहार को नेगलेक्ट इग्नोर अनदेखा अनचाहा करने की चाहत में थी सरकार, उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे के हम लोग भारी मतों में एक चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपने जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक पर्व है उनको हम लोग रोड में दिखाने का काम कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे हो गया, शादी का एनिवर्सरी हो गया, तो वो सब आप छोड़ के हम लोग सोहराय में आ गए क्यों आए हैं? इसलिए ना आज हम लोग को जो पूर्वज सब इतना बहुत सुंदर त्यौहार है, इस त्यौहार का अर्थ जानिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बरत खूटा कोई एगी दुगी पर्व नहीं लागे, अपन जे भी लक्ष्मी हाथ उनके घर बैल बैल बकरी हाथ गाय गरु हाथ उस सब के पूजा करिए, उस सब किनाल करिए, ये के लिए करे कि उस सब हम इनके अनाज उगा के दिला आ जाता है। 12 माह से 13 पर्व, लेकिन इस बार देखते हैं 32-33 बहुत ज्यादा पर्व हो गया, बहुत ज्यादा पर्व एंट्री कर गया, तो क्या लगता है आपका संस्कृति जो त्यौहार है वो खतरे में है? मौजूद है रामगढ़ में, और रामगढ़ में इस बार दहरे सोहराय चाचेर और बरत खुटा का प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है, बल्कि ये सोहराय यहाँ के जो समाज है इस समाज के द्वारा ये प्रोग्राम को करवाया जा रहा है। आज हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी है, साथ में हमारे क्रांतिकारी छपनेश्वर भी है, यहाँ पे अनुपम राज भी है और ये दीदी लोग भी है, तो इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका संदेश क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले जोहार, मेरे तरफ से आपका चैनल को भी जोहार है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बार डहरे सोहराय जो है बहुत ही भव्य तरीके से कर रहे हैं, पूरा रामगढ़ शहर को जाम कर दिए हैं? हाँ, इसलिए इस त्यौहार को मना रहे हैं कि हम लोग को रामगढ़ को देख के और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मना, इसलिए हम लोग अपना जो रीति रिवाज है उसको जो पीछे हम लोग कहीं ना कहीं इससे विलुप्त हो रहे थे वो हम लोग इस उभाव की तरह मना रहे हैं। जो गांव में मनाने का त्यौहार आप लोग शहर में टाउन में मनाने आ गए हैं? क्योंकि देखिए टाउन में सब बाहरी आके बैठ गया है, इसीलिए हम लोग टाउन में भी दिखा रहे हैं। जब हम लोग के इलाका में रहना है तो हम लोग को त्यौहार को भी मनाना होगा। तो 12 माह से 13 पर्व, लेकिन इस बार देखते हैं 32-33 बहुत ज्यादा पर्व हो गया, बहुत ज्यादा पर्व एंट्री कर गया, तो क्या लगता है आपका संस्कृति जो त्यौहार है वो खतरे में है? नहीं, वो खतरे में कहाँ से होगी, जब हम उस त्यौहार को मानेंगे ही नहीं करेंगे नहीं तो कहाँ से खतरे में? जो हम लोग का त्यौहार है जो पूर्वज जो इतना अच्छा से मना रही है वो त्यौहार को हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा, वही त्यौहार को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे जो पहले कहीं ना कहीं छोड़ देते थे, क्योंकि पहले अब हम लोग मनाते थे हैप्पी बर्थडे हो गया, शादी का एनिवर्सरी हो गया, तो वो सब अब छोड़ के हम लोग सोहराय में आ गए क्यों आए हैं? इसलिए ना आज हम लोग को जो पूर्वज सब इतना बहुत सुंदर त्यौहार है, इस त्यौहार का अर्थ जानिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इस त्यौहार में क्यों मनाते हैं, जब हम लोग खेत बारी करते हैं, धान का फसल जब कटने लगता है और धान का फसल कटता जब बेहतरीन तरह से हो जाता है, इसलिए हम लोग इस त्यौहार खुशियाँ जाहिर करते हैं और ये बरत खुट्टा त्यौहार मनाते हैं। दीदी, ये त्यौहार का अर्थ क्या है? सोहराय का अर्थ थोड़ा बता दीजिए। सोहराय का अर्थ है मतलब सेवरण करना, जो हम लोग को मतलब बैल लोग जितना खाट के हम लोग को कृषि के लिए जो मतलब सहयोग करता है, इसीलिए उन लोग का हम लोग सेवर मतलब सेवर करते हैं, मतलब शुक्रिया जो भी बोलिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये झारखंड कला संस्कृति मंच बृहत कला संस्कृति मंच में है, इसीलिए थोड़ा यहाँ योगदान भी कर रहे हैं। हमारे साथ पनेश्वर है, कहीं ना कहीं ये रामगढ़ के हैं और ये कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, ऑर्गेनाइजर भी हैं। क्या कहेंगे आज का भीड़ कैसा होने वाला है? आज का भीड़ कह सकते हैं पिछले बार के अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड तोड़ होगा, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने उस तरह से मेहनत भी नहीं कर पाया था और उस पिछले बार कह सकते हैं आत्मविश्वास का थोड़ा कमी था, लेकिन इस बार ऐसा है कि लोग स्वेच्छा से अपने गांव में गांव स्तर से प्रचार प्रसार किए हैं इस कार्यक्रम का, तो कहीं ना कहीं वाकई में इस बार बृहद देखने को मिलेगा। रामगढ़ टाउन में आप लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिख रहा है, प्रशासन भी नहीं नजर आ रही है, किसका इसका परमिशन वगैरह लिया गया है कि नहीं, क्या थोड़ा बताइए डिटेल में। देखिए दादा, हम लोग किसी भी कार्यक्रम का परमिशन नहीं लिए हैं और ना ही लेंगे आगे भी, हम लोग हर बार प्रशासन को सूचना दिए हैं, इस बार भी हम लोगों ने मिल करके दिया सूचना, अब प्रशासन को स्पेशल से कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी किया है कि प्रशासनिक सहयोग दिया मिलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पिछले बार नहीं मिल पाया था। इस प्रोग्राम का मेन चेहरा कौन है? मेन चेहरा कोई नहीं, सामूहिकता से सारा चीज हो रहा है, कह सकते हैं कुछ 10-15-20 लोगों का
एक टीम है जो पूरी तरह से सक्रिय है और जगह जगह पर इस कार्यक्रम को लेकर के मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। समाज का भील बवाल होगा कहने का मतलब? एकदम बवाल होगा, बेजोड़ होगा, कह सकते हैं ताबड़तोड़ होगा, पिछले बार से ज़्यादा ऐतिहासिक होगा। और कह सकते हैं इसलिए कि इस बार लोकल लोग जितने भी हैं, विशेष करके महिलाएं। हंसदा जोहार आपका। जोहार तोरो और तोरो जितना है आतुन भाई बंधु सब आतुन जितना सबके हम जोहार करें, नमस्कार करें। आप लोग डहरे सोहरा के प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से करके? देख दादा, यहाँ के से है जी संदेश दिए चाहे कि हम इनके जितना भी पर्व त्यौहार संस्कृति रहो धीरे धीरे विलुप्त चल जाए लोग, तो ओकरे जगावे खातिर पर्व से पहले जान रहे सोहरा योजना लगे, लेकिन दो दिन पहले संदेश दे रहे हैं सबके कि हमनियों के एगो त्यौहार है जो राड़ त्यौहार लागे, बरत घूटा कोई एगी दुगी पर्व नहीं लागे, सोहराय कोई एगी दुगी नहीं लागे, सोहराय क्या नाम इनके रही अपन जे भी लक्ष्मी हाथ उनके घर बैल बैल बकरी हाथ मैंने गाय गरु हाथ उस सबके पूजा करी है, वो सब किनाल करे है एक ही ले करे उस सब हम इनके अनाज उगा के दिला वो अनाज टा पहले उखिन के नाम है हम इन पूजा करे उल्टा बात सबके बतावे खातिर आज हम इन गाँव में करे लिए आज शहर आए लिए, शहर में सबके जितना गाँव वाले भी शहर में एक बसल हत तो भुला जात अपन पर्व त्यौहार तो हेटा बतावे खातिर आज शहर में हमें अपने लगातार देखल जाओ कि 12 मास से 13 पर्व कहल जाओ कि झारखंड के लागो, लेकिन लगातार देखे 12 मास से 33 34 35 जते पर्व है वो हल जाओ। देख दादा ये सही बात हो, 12 मास से 13 पर्व झारखंड के लागो, लेकिन यहाँ सभी प्रकार के आदमी आतुन सभी जात धर्म के आतुन तो उस सबके मना भी नहीं कर सके हैं, वो सबके मना नहीं कर सके हैं, लेकिन अपन पर्व त्यौहार तो हम इन करे हैं ना, हम इनके पर्व त्यौहार तो विलुप्त हो जा रहा है ओकरा हम लाने कोशिश कर रहा है, अगला के हम इन भगा भी नहीं रहे कि पर्व त्यौहार ना कर मना तो ना कर लिया आज तक कहीं कहीं कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा कहीं भी मना कर ले कि ना कर, हम बस इस चीज़ का कह लिए कि अपनों तनि ध्यान दा कि अपनों भी पर्व त्यौहार हूँ।